मामला थाना एरवा कटरा जनपद औरैया का है, जहां कुछ दबंग गुंडों ने घर में घुसकर महिला से अश्लील हरकत की व मारपीट व तोड़फाड़ की। महिला का कहना है, कुछ हमारे घर पर एक व्यक्ति आया और महिला अहिल्या देवी पति जगतपाल पप्पू चौक निवासी भवानीपुर पोस्ट बरौना कला थाना एरवा कटरा जनपद औरैया का मामला, जहां हजारों निवासी 5 से 7 युवक बीते 23/8/2022 को घर में घुस गए और तोड़फोड़ और मारपीट की। जब विरोध किया तो हमारे साथ अश्लील हरकत की। दबंग लोग निवासी हजारा राजू मिश्र पिता चंगेलाल गोपाल नितिन पिता राजू मिश्र बबलू त्रिपाठी पिता राजन लाल त्रिपाठी निवासी हजारा गौरव मिश्रा पिता चुन्नी लाल बबलू तिवारी पुत्र मुन्ना लाल निवासी हजारा, इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ की। इसका वीडियो वायरल हुआ। जब महिला थाने पर अपनी प्रार्थना पत्र लेकर शिकायत लेकर पहुंची तो उसकी शिकायत नहीं लिखी। उसकी रिपोर्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ गुंडे कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री जी की बातों को ताक पर रखकर दबंगई कर रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से प्रार्थना गुहार लगाती हूं कि हमारे साथ जो भी गलत हुआ है उसको अभी तक थाने में कोई FIR नहीं की। योगी सरकार से मैं न्याय की गुहार करती हूं। योगी सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं तो क्या होगा। अमित कुमार शर्मा। नाम बताया आपने? अहिल्या देवी। पति का नाम? पति का नाम श्री जगतपाल साख। जगतपाल साख। हाँ। कहाँ रहते हो? भवानीपुर। भवानीपुर थाना? थाना एरवा कटरा। एरवा जनपद औरैया। अच्छा, क्या विषय है? विषय है लड़ाई के मामले में वे लोग आए। वो लोग कौन थे जो आपके यहाँ पर आए? राजू मिश्रा थे। और कौन लोग थे? राजू मिश्रा और मेरे गांव के राजू साख था जी, इन्होंने अपनी सहमत से उसको बुलाया। अच्छा, और कौन कौन लोग थे? और नेकपाल थे, पुलिस वाले दो थे। अच्छा, पुलिस वाले थे। क्या विषय था जो आप लोग घर में घुसकर वो तोड़ फोड़ कर रहे थे? विषय ये था कि नहीं, रोड आई है, पहले रोड पड़ चुकी है, सामने उसका खेत है, उसके बाद मेरा मकान है। अच्छा। हाँ। तो फिर इन लोगों ने तोड़ फोड़ घर पर किया क्या आपके? हम मेरे घर पर तोड़ फोड़ भी किया है। और क्या किया? हदिया कट्टा लेके आए थे मेरे। अच्छा। को नंगे वस्त्र में खींच के बाहर मारे। अच्छा, निर्वस्त्र करके आपको मारा? निर्वस्त्र करके मारे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरा फूल भी छेड़ लिए, कुंडल भी छेड़ लिए, मटर माला भी छेड़ लिए। पुलिस के सामने पुलिस ठाड़ी देखती रही। पुलिस थी मौके पर। अच्छा, पुलिस ने कुछ नहीं कहा? पुलिस ने कुछ नहीं कहा। तो अच्छा, आपने इसकी शिकायत थाने में की जाके? जी हाँ, किए थे। कोई अच्छा, क्या क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? इंस्पेक्टर साहब ये कहा कि नहीं, आपने वहाँ गलत इंजेक्शन लगा रही है, पुलिस वाले के सामने ऐसा छड़े खानी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपने कहीं शिकायत की थी? हाँ। कहाँ पर की? मैं औरैया गई थी। अच्छा, क्या हुआ वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई? वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई जी। हाँ। अच्छा ठीक, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो ये चाहती हूँ कि अब कैसे सुनवाई होगा, कौन सुनेगा? मेरा शासन भी नहीं सुन रहा है। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, आपका शासन सुनेगा। ठीक, परेशान ना हो, कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ।